हम लोग सीखेंगे कि चेंज इन कलर कैसे होता है रिएक्शन में चेंज इन कलर के बारे में सीखेंगे कि कलर कैसे चेंज हो जाता है तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है बहुत सारे रिएक्शन है कि कलर चेंज हो जाते हैं जैसे लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसीड एंड पर्पल कलर पोटासियम पर मैगनेट सोलूशन सोलूशन देन तब देन तब द पर्पल कलर डिसपियर द केमिकल रिएक्शन बिट्वीन साइट्रिक एंड पर्पल कलर पोटासियम पर मैग्नेट सोल्यूशन देन द पर्पल कलर डिसपियड एंड इट बिकम्स कलरलेस द कैल्शियम द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर द पोटासियम पर मैग सोल्यूशन देन द पर्पल कलर डिसपियर एंड इट्स बिकम कलरलेस वो क्या हो जाता है भैया कलरलेस होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि पोटासियम पर मैगनेट पोटासियम पर मैगनेट ये पर्पल कलर को होता है लेकिन आप पोटासियम पर पर्पल कलर का होता है लेकिन इसे साइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है वो डिसेपियर अपना कलर को खो देता है और कलरलेस हो जाता है केवल आपको रिएक्शन याद नहीं रखना क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है इस कारण से यहाँ रिएक्शन मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा तो यहाँ खाली केवल रखना है कि साइट्रिक एसिड और पोटासियम पर मैगनेट जो क्या होता है पर्पल कलर का होता है जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कलरलेस हो जाता है केवल आपको याद रखना है इस प्रकार से दूसरा लिख सकते हैं देन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ट थ्रू पास्ट थ्रू एसिडिफाइड पोटासियम डायक्रोमेट सल्यूशन दे तब द ऑरेज कलर ऑफ पटासियम डाय क्रोमेट सल्यूशन चेंजेज टू ग्रीन डाइट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड इज़ पास थ्रू या एसिडिफाइड सल्फ पोटाशियम क्रोमेट तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस बीकर में एक ले लेता हूँ पोटाशियम क्रोमेट यानी इसका के टू सी आर टू ओ सेवन ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है भैया इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है कैसा कलर होता है ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर यह होता है आप यदि आप यहाँ रिएक्शन में बताता हूँ अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है यानी के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ भैया लिखा हुआ है कि एसिडिफाइड करना है यानी डैट मीन्स एसिड के परजेंस पे करना है डैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ना है पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और परजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टैटमींस एसिडीफाइड वेन या सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एसिडीफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन देन ऑरेंज कलर टैटमींस ये ऑरेंज कलर होता है ऑरेंज कलर होता है तो यहां क्या बन जाता है यहां बनता है पोटासियम सल्फेट पोटासियम सल्फेट के टू एस ओ फोर आपको रिएक्शन नहीं याद रखना है भैया आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ और क्रोमिक सल्फ़ेट क्रोमिक सल्फ़ेट प्लस एच टू ओ एच टू ओ आपको बैलेंस करने के लिए सिखाया जाएगा मैं यहाँ डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूँ और ये क्या हो जाता है भैया ग्रीन कलर का होता है पूरा ग्रीन नहीं होता है लेकिन क्या होता है डार्क ग्रीन थोड़ा हो जाता है यानी पोटासियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं एसिडिफाइड करते हैं मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के, के पर्जेंस पर रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे क्या मिलता है पोटासियम सल्फेट एंड क्रोमिक सल्फ़ेट और एच टू बनता है जो कि यह ग्रीन कलर होता है आपको केवल यह समझना है कि कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पोटासियम डाइक्रोमेट में में एसिडिफाइड करते हैं तो वह क्या होता है ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर हो जाता है केवल आपको यहीं तक समझना है आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे